भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शुक्रवार को खरगोन के दौरे पर पहुंचे। सुबह शहर पहुंचने पर शर्मा ने कुंदा तट स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। शर्मा ने पूजन के बाद भाजपा संगठन द्वारा चलाए जा रहे बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ भी किया है। शर्मा ने बताया, भाजपा सकारात्मक सोच के साथ कार्यकर्ताओं के बल पर जमीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी है। वर्तमान में समूचे प्रदेश में चलाए जा रहे बूथ विस्तारक योजना के तहत प्रत्येक बूथ को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए पदाधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री अपने अपने बूथों पर समय दे रहे हैं। यह पहला मौका और पहली पार्टी है जो बूथों की डिजिटलीकरण कर रही है। शर्मा ने गोगांव जनपद के ग्राम दयालपुरा के बूथ क्रमांक 231 में बूथ विस्तारक का कार्य किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की बात चल रही है, क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है? आज खरगोन में बूथ विस्तारक योजना के तहत मैं आज हमारा एक बूथ उस पर मैं निर्भर रहूँगा और बूथ विस्तारक योजना के तहत अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण के अभियान में सशक्त बूथ भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। उस अभियान के निमित्त मैं खरगोन अभी आया हूँ। भगवान सिद्ध विनायक गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद आज हमारा ये बूथ विस्तारक योजना का अभियान का खरगोन का अभी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और दिन भर बूथ पर रहकर के अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बूथ के सशक्तिकरण के अभियान को ताकत देने का हम सब काम कर रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी आज 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक भाजपा के सशक्तिकरण के बूथ को मजबूत बनाने के लिए, सक्षम बूथ बनाने के अभियान में जुटी है। ये कमलनाथ जी ने घर घर चलो अभियान की शुरुआत कांग्रेस भी कर रही है, घर जाना है, अच्छी बात है। कोई भी दल, कोई भी संगठन अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है, अच्छी बात है करें तो। इसमें मुझे तो कुछ नहीं कहना चाहिए, वैसे भगवान गणेश जी का मंदिर है, हमने पूजा अर्चना की है तो हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते और मंदिर में तो आलोचना वैसे भी नहीं करनी चाहिए। आजादी के बारे में कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं अपने संगठन के काम के बारे में और जो अभियान हमने लिया है, हम प्रत्येक बूथ का वेरिफिकेशन और डिजिटल बूथ बनाने का अभियान, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने। मैं जिन जिलों में जा रहा हूँ मैं पूछता हूँ कि पंच सरपंच से लेकर के कितने लोग हैं, तो हमें जानकारी मिलता है कि कहीं 80% है, कहीं 90% है, कहीं 95% है। तो भारतीय जनता पार्टी भी मनुष्यों का संगठन है। मैं ये कहूँ कि साहब मनुष्यों के संगठन में बिल्कुल सब आइडियल है तो ये बेईमानी होती है। मनुष्य मन की भावनाएँ होती हैं तो ये सब होता है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हम एक पद्धति पर काम करते हैं, हम एक विचार पर काम करते हैं और हमारे लिए देश पहले है। इसलिए हमारे यहाँ अगर कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी हमारे यहाँ बात करने की व्यवस्था भी है और उसका समाधान करने की व्यवस्था भी है। हम ऐसे ही नहीं घूम रहे कि एक परिवार कोई दल को चला रहा हो, भारतीय जनता पार्टी तो स्वामित्व के आधार पर काम करता है। आज़ादी का अमृत उत्सव चल रहा है और 4 लोगों को प्रदेश का पद्म भूषण मिला है, पहली बार इस प्रकार से हुआ। देखिए, ये बड़ा आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे लोग जिनको कल्पना भी नहीं हो सकती कि हमें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। लेकिन मैंने जब ये पद्म विभूषण मिले तब मैंने कहा था कि मोदी जी हैं तो सारी बातें मुमकिन हैं इस देश के अंदर। अरे ऐसे फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, उनको पद्म श्री से सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ढूंढ ढूंढ करके इस योग्य कौन लोग हैं, योग्यता का सम्मान इस देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। चाहे मध्य प्रदेश के हमारे लोग सम्मानित हुए हों, डॉक्टर एनपी मिश्रा से लेकर के हमारी डिंडोरी की हमारी बहन दौरे और खरगोन विधानसभा के दयालपुरा गांव पहुंचे हैं, क्या कहना आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खरगोन जिले के प्रवास पर खरगोन विधानसभा के गोगांव ब्लॉक के दयालपुरा गांव में 10 घंटे रहेंगे, विस्तारक लोगों के साथ चर्चा करेंगे। ऐसे ही 18 के पहले शिवराज सिंह खरगोन जिला के एक एक गांव, एक एक विधानसभा में घूमे, 18 का रिजल्ट देखा कि 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। वीडी शर्मा जी के दयालपुरा रहने से कहीं नहीं होगा, दयालपुरा की और दयालपुरा के आसपास की जनता जानती है कि दयालपुरा का विकास 20 साल पहले जो कांग्रेस ने करा था वही है। 1 रुपये का विकास पिछली इनकी 17 साल की सरकार में 1 रुपये का दयालपुरा और गोगांव ब्लॉक में विकास नहीं हुआ। हमारी जिला पंचायत की सदस्य दीपिका दिनेश यादव ने
कल ही जो भूमि पूजन करा है वो अपनी राशि से, जिला पंचायत की राशि से वहाँ के गड्ढे भरने का काम करा। दयालपुरा से वेदा नदी के ऊपर जो पीछे जो ब्रिज बना है, उस ब्रिज को गड्ढे इतने थे, पिछले 15 साल में ब्रिज की इतनी हालत ख़राब कर दी थी कि इनने गिट्टी तक नहीं डाली। मैंने पिछले वर्ष 5 लाख रुपए की राशि देके उस पुल की मरम्मत कराई जो 50 गांवों को दयालपुरा से जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी दयालपुरा और गोगांव ब्लॉक में विकास के नाम पे 1 रुपया खर्च नहीं करी और न उन्होंने खरगोन ब्लॉक में कहीं करा, न खरगोन जिले में करा। बड़ी दुर्दशा है, जनता का मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो गया। अब वीडी शर्मा दयालपुरा जाए कि दया के नाम से घर घर जाए, कहीं भी इनके लोगों के दरवाजे बंद हो चुके जनता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।